आज 9 मार्च 2022 को विधानसभा में धुलिया शहर के आमदार ने एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा उठाया और एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी जो हॉस्पिटल है तो वो महात्मा ज्योतिबा फुले जो स्कीम है, जो दवाखाने में स्कीम चल रही है, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। तो आमदार साहब ने विधानसभा में उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसकी चौकसी की जाए। लेकिन आमदार साहब को जो और भी धुलिया शहर में बहुत सारे हॉस्पिटल है जिसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे कि हमारी नज़र में बहुत सारे हॉस्पिटल्स है जो दलाल छोड़े हुए शहर के अंदर अपने दलालों के माध्यम से पेशेंट को बुलाते हैं और फिर जब उनका योजना के अंदर बैठने के बावजूद दवा खाने वाले उनसे लाख डेढ़ लाख रुपया बिल वसूलते हैं। तो आमदार साहब को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और ये मुद्दे को भी विधानसभा में उठाना चाहिए। साहब, हाँ बोला बोला नंतर दे अध्यक्ष महोदय, मी धुळे शहराचा प्रतिनिधित्व करतो। माझ्या मतदार संघातील इंस्टिट्यूट ऑफ यूरोलॉजी धुळे या दवाखान्याविषयी अनेक तक्रारी नागरिकांच्या सातत्याने येत आहेत। महात्मा फुले जीवनदायी योजनेत प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याच्या निदर्शनास येत आहे। प्रश्न हाजरी अलग असेल बोलू द्या अध्यक्ष महोदय। माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की ह्या भ्रष्ट हॉस्पिटलची जीवनदायी योजना रद्द करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल का? आमदार साहेब, अध्यक्ष महोदय, तसा पूर्णतः वेगळा प्रश्न आहे, पण तरी सुद्धा सन्माननीय सदस्यांचं मत लक्षात घेऊन चौकशी करून तत्परतेने कारवाई केली जाईल। आहेर साहेब अध्यक्ष।